डैडी को बाहर बुलाओ। अरे उनको बोलो कम से कम बाय बाय करने के लिए तो आ जाओ। मम्मी डैडी अभी तक सोए हैं। हाँ? एक आइडिया करते हैं, डैडी को जाकर बोलो प्रेमा जी का फोन आया है। अच्छा अच्छा। डैडी प्रेमा आंटी का फोन आया है। अब देखना आएंगे। हेलो। ओए प्रेमा जी। ओए उल्टा फोन पकड़ा है। कहाँ है प्रेमा जी? फोन कर। प्रेमा जी प्रेमा जी कोई नहीं है, तुमने सपने में देखा उनको, जाओ जाकर सो जाओ। गोखी तुम दोनों गांव से वापस आ गए? जाएंगे तब आएंगे ना केशु। क्या मतलब? डैडी हम लोग अभी तक गए नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, आए नहीं है, और 8 दिन में वापस आएंगे। अब इसी तरह से बात करने वाले हो या नहीं, या मैं मायके जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं? नहीं 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 नहीं, मायके जाओ, मैं चलो मैं स्टेशन छोड़ने आता हूँ। चलो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे आने तक हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो फिर एक काम कर दो, मैं बालकनी से बाय बाय करता हूँ। चलो वहाँ तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बाय बाय करने के बहाने तुम प्रेमा जी को देखते रहते हो। ठीक है ठीक है, जाओ बाहर गाँव जाओ। चिंटू का ख्याल रखना, चिंटू तुम मम्मी का ख्याल रखना। और डैडी आप अपना भी ख्याल रखना, और बालकनी से ज्यादा झुकना मत। क्यों बेटे, डैडी का इतना ख्याल करते हो? नहीं, अगर आप गिर गए ना तो हमें जल्दी आना पड़ेगा। केशु जाते वक्त गुस्सा मत करो ना। और वैसे भी बालकनी में जाना बेकार है। क्यों? क्योंकि प्रेमा जी आउटडोर गई है। ठीक है ठीक है, इसीलिए तो मैं मायके इत्मीनान से जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ, बारिश के दिन है, संभल के जाना। चलो चिंटू। ए, क्या है, यहाँ कोई लड़की खड़ी है क्या? कोकी जी कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दी। वो अपने मैके गई है। दिलरुबा कहाँ है? प्रेमा जी कहाँ है? वो अपने ससुराल गई है, आई मीन आउटडोर शूटिंग पे। मेरा कोई नहीं है गोखले, मेरा कोई नहीं रहा। क्या हुआ? प्रेमा जी एक हफ्ते से आउटडोर चली गई है, और कोकी भी मैके चली गई है। मेरा कोई नहीं रहा गोखले। Yes. क्या आप बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ पर मिलेंगे? Yes. क्या आप बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ पर मिलेंगे? Yes. बता सकते हैं। Yes. आपकी तारीफ? मैं सोनिया वर्मा, शर्मा जी की साली। ओह, शर्मा जी की साली। बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ है? गोखले जरा देखो शर्मा जी कहाँ है। बस मैं आप भी आया। नहीं नहीं नहीं, टेक योर टाइम गोखले, टेक योर टाइम। अच्छा आओ बैठो ना सोनिया। यहाँ बैठो। कहीं भी बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, कहीं भी बैठ जाओ। वेल सोनिया, आई एम केशव कुलकर्णी। प्लीज टेक केयर। हेलो हेलो दिलरुबा जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। कोकी जी आप कहाँ हैं? मैं कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। देखिए दिलरुबा जी, मैं पूना से बोल रही हूँ। क्या दिलरुबा जी, एक काम कीजिए, केशु को मेरा मैसेज दीजिए। हम बोलिए क्या है? उससे कहना कि मैं सुबह आ रही हूँ घर पे। सच? आप कल वापस आ रही हैं? ठीक है, मैं आपको लेने स्टेशन पर आऊंगा। आप क्यों आएंगे? दिलरुबा जी भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। क्या है? मैंने जो भी कहा था ना, उतना ही सिर्फ केशु से कह दीजिए। हाँ ठीक है, मैं केकू जी को बता दूंगा। अच्छा बाय। केकू को बताती है मेरी जूती। वो शर्मा का बच्चा टगलू खुद एसी कैबिन में बैठा है, और मुझे यहाँ आउटडोर में बिठा दिया, ऊपर से ये बारिश। पानी कम की जगह पानी ज्यादा हो गया। ये क्या हो रहा है केशव? अंदर आजा गोखले, अंदर आजा गोखले। पता नहीं ये बारिश मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, मुझे तो लगता है सारी स्त्रीलिंगी चीजों ने मेरे खिलाफ हमला बोल दिया है। देखा गोखले, ये कुर्सी भी टूटी हुई है। देखा, और ये देख, ये मेरी पतलून देख, वो भी गिल्ली हो चुके, देख देख। और आज किसी ने बस में मेरी कंघी भी मार ली। अरे कंघी तो मैं तुझे देता हूँ केशव। अरे ये तो मेरी है। हाँ मैंने ही मारी थी। जल्दी से बाल बना ले केशव। क्यों,
सोनिया आ रही है। रहने दे गोखले यार, जब भी बाल बनाता हूँ मेरे 20-25 बाल गिर जाते हैं। पर फिर भी हल्का सा हल्का सा टच मार। ओके कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा क्लास। ओके ओके ये ले। अरे ये तो मेरी है। चल मुझे डिस्टर्ब मत कर, शर्मा के बच्चे ने काम दिया है, बहुत काम दिया है। सोनू देखिए ना रिजू, मैं पैर से कमर तक पूरी भीग गई। सिर्फ कमर तक? हाँ, ऊपर तो कोई ना कोई छाता पकड़ ही रहा था ना। लेकिन तुम आतुर सुनाने के बजाय घर क्यों नहीं चली गई? अरे इतनी बारिश हो रही है, सारी ट्रेन्स बंद है, मैं घर कैसे जाती? अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें भेज देगा इंतजाम कर। नहीं नहीं चीजू, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मैंने दीदी को फोन करके भी बोल दिया है। लेकिन सोनू मेरी मीटिंग में जाना है। ठीक है, तो आपके आने तक मैं केशव के कैबिन में रुकूंगी। कौन है केशव? कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी, तुम उसे कैसे जानती हो? अरे उस दिन आप नहीं थे ना, तब मैं उससे मिली थी, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था। हाँ, उसने मुझे कॉफी पिलाई थी, और पता है उसने मुझे ये परफ्यूम भी दिया गिफ्ट। वापस कर दो, वापस कर दो। लेकिन जीजू मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। लेकिन मुझे इसमें ऐसी वैसी खुशबू आ रही है, यानी कि बदबू। जी नहीं, केशव कुल करने के टक्कर में मत आना सोनू, इस 4-5 लड़कियों के टक्कर में कई बार जेल जा चुका है। मैं कम इन सर। यू टैक मैन। मैं बात करता हूँ सर। आओ आओ आओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे केबिन में क्यों मंडरा रहे हो। नहीं सर, मैं तो आपको याद कराने आया था कि सर, मैं आपको याद कराने आया था कि आज 5 बजे आपकी एक अर्जेंट मीटिंग है सर, और 5 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। मुझे मालूम है, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानता हूँ केशव कुलकर्णी, मैं तुम्हारी तरह काम चोर नहीं हूँ। सोनू जाके बाहर घुमाओ। नहीं, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी, बाहर कितनी बारिश है। तुम यहाँ पर बोर हो जाओगी सोनू। नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए सर, मैं हूँ ना आपकी साली, मेरी साली सर। क्यों, बहन नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन खाली पीली बहन बनाने से क्या फायदा सर। लेकिन ये आपको अपना भैया बनाना चाहती है क्यों सोनू? केशव को इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में? कहीं उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बोल रहे हैं? मतलब कि शायद अभी ऑफिस से ना आए हों। तो ये बात पहले नहीं कह सकते थे? I'm sorry. आपके पास चाबी नहीं है अपनी क्या? नहीं ना, मैं मेरी चाबी मम्मी के पास भूल आई हूँ इत्तेफाक से। Oh my God. आप एक काम कीजिए, आप एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास छोड़ दीजिए। क्यों, आपके पास क्यों? जब केशव जी घर पे नहीं होंगे तो मैं अंदर आ पाऊंगा। मतलब कि जब आप ऐसे मेरे साथ फंस जाएंगी तो मैं खोल पाऊंगा। लेकिन मैं आप क्या करूं? अभी अब मेरे यहाँ चलिए ना। आपके घर? हाँ, डॉल भी यहाँ नहीं है, दोनों आराम से आराम करेंगे। दिलरुबा जी, मैं आपको कुछ पका के खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, केशव को अच्छा नहीं लगेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। आई विल हैंडल। देखो आई विल हैंडल विद केयर। मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, आप चलिए ना। चलिए, आई कैन हैंडल विद केयर। केशव तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, मेरी तो हंस हंस के जान ही निकल गई। अरे सोनू, हंस हंस कर जान निकल जाए उसे ही तो सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। और रो रो कर जान निकल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे सेंस ऑफ ट्यूमर कहते हैं। केशव, तुम्हारे साथ 2 घंटे कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। अरे क्या करूँ सोनू, खूबसूरत लड़कियों का हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्या क्या हुआ केशव, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दफ्तर बंद हो चुका है, तुम चल रहे हो या मैं जाऊँ? अरे मैं कैसे चलूँ, मुझे तो सोनू को कंपनी देनी पड़ेगी, बॉस के आने तक मुझे यही रुकना पड़ेगा। यानी कि दफ्तर में सिर्फ तुम दोनों और वॉचमैन ही रहेंगे? तो क्या हुआ गोखले, हमारा वॉचमैन, ए गोखले, हमारा वॉचमैन बड़ा ही शरीफ आदमी है। चीचा जी अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो, कौन? हाँ बॉस, मैं गोखले बोल रहा हूँ। गोखले, सोनू वहाँ पर है क्या? हाँ वो यही बैठी हुई है। जरा फोन देना उसको। एक मिनट। हेलो सोनू बेटे, बारिश बहुत हो रही है, मेरी गाड़ी फेल हो गई, मैं बीच में लटक गया हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। अच्छा ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, बाय। क्या हुआ सोनी मोनी? उनकी गाड़ी खराब हो गई है, वो नहीं आ सकते। ओहो हो, नहीं आ सकते। बाय द वे सोनी मोनी, तुम कहाँ रहती हो? मैं अंधेरी। ओ अंधेरी, ऑन द वे, मैं तुम्हें टैक्सी से छोड़ दूंगा। चलो 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 चलो। क्या चलो चलो, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, बॉस ने कहा है तुम्हें यहीं रुकना है। चलो सोनी, बहुत बढ़िया बनाई है, वाकई कॉफी की बहुत जरूरत थी। अच्छा ये डॉल के इस गाउन में आप कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ?
दिलरुबा जी ऐसा मत बोलिए, मेरे गले में कॉफी फंस जाएगी। अब तक कहाँ फंसी? क्या अब तक नहीं फंसी? क्या मतलब ये हाई क्वालिटी कॉफी है, फंसने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा था कि डॉल के गाउन में अब कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके पास कुछ और टॉपिक नहीं है? क्यों, पिछले 2 घंटे से आप यही बात दोहरा रहे हैं। ये सब छोड़िए, मेरे घर पे फोन कीजिए, देखिए तो जरा केशु आया है क्या, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो अब तक नहीं आया होगा, होंगे शायद सुबह तक भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन बहुत हुई ना, तो सब बारिश उल्टी हो गई है। क्या? बारिश बहुत हुई तो सब ट्रेन उल्टी हो गई है। और बांद्रा के आगे नो प्लेन गोइंग कमिंग, नो टैक्सी वगैरह, नो गोइंग कमिंग। सच? हाँ। तो फिर मेरा क्या होगा अब? अब रात को यही सो जाइए ना, सोफे पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सोनू मोनू बेबी, हमारा घर आ गया, होम स्वीट होम। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आप तो मुझे मेरे घर लेके जा रहे थे ना। अरे सोनू मोनू बेबी, तुम्हारे घर कैसे जाते? बारिश की वजह से ट्रेन टैक्सी सब बंद है, तुम्हारे घर कैसे जाते? लेकिन मैं यहाँ क्यों? सोनू मोनू बेबी, मेरा डर लग रहा है। नहीं, जीजा जी का डर लग रहा है। ओ, उस टकलू का? नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारे जीजा जी की मेरे बारे में बहुत ही अच्छी राय है। जानती हो वो मुझे हमेशा फर्स्ट क्लास आदमी कह के बुलाते हैं। सो तो है। चलो चलते हैं। क्या हुआ? घर की चाबी? ओ नो, लगता है ऑफिस में भूल कर आ गया। चलो फिर ऑफिस जाके ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पड़ोस में ही मेरे एक दोस्त का घर है, दिलरुबा नाम है उसका, चलो वहाँ जाके बैठते हैं। चलो चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेबी, अंदर आ जाओ सोनू मोनू। कौन हो सकता है ये टाइम पर? कौन हो सकता है? क्या कुछ ही? केशु आ गए। केशु क्या? हेलो दिलरुबा जी, आ जाओ सोनू, आ जाओ आ जाओ। सोनू ये है दिलरुबा जी, हमारे पड़ोसी, और दिलरुबा जी ये है हमारे बॉस शर्मा जी की साली सोनू। ठीक है ठीक है। दिलरुबा जी, मेरे सर पर एक मुसीबत आ गई है। मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी मुसीबत आ गई है। नहीं, वो क्या है, बारिश की वजह से वो क्या ट्रेन बस टैक्सी वगैरह बंद है ना, तो ये जो हमारी सोनू है वो घर वापस नहीं जा सकती, तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं क्या यहाँ? हाँ? ये रुक सकती है लेकिन आप नहीं रुक सकते। मतलब? आपका घर बाजू में, अपने घर में जाकर रुको ना। वो इत्तेफाक से क्या हो गया है दिलरुबा जी, मेरी जो घर की चाबी है वो मैं ऑफिस में भूल कर आ गया हूँ। कमाल है, आज चाबी वाला बड़े इत्तेफाक हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेमा जी के रूम में ठहरते हैं। नहीं, नहीं, प्रेमा के रूम में तो बिल्कुल नहीं। क्यों, प्रेमा जी वापस आ गई? वापस नहीं आई, लेकिन मैंने प्रेमा से वादा किया है कि उसके गैर हाजिरी में मैं उसके बेडरूम में लेडीज मक्खी तक को नहीं जाने दूंगा। और फिर ये तो लेडीज तितली है। अच्छा वादा किया है। तो लेकिन मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ कुछ करो। ठीक है, गेस्ट रूम में चलेगा 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 गेस्ट रूम। केशु जी प्लीज, आप मेरे चीजा जी को फोन कर दीजिए ना। कर दूंगा सोनू, कर दूंगा। ओए दिलरुबा, हाँ सोनू के लिए चाय पानी मिल्क शेक वगैरह का इंतजाम करना, हाँ समझे? आओ सोनू, आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वेरी गुड, आराम करना। हाँ दिलरुबा अंदर आ जा। अबे पहले ये छाता बंद कर, कब से देख रहा हूँ छोटे से छाते में लड़की पे लाइन मार रहा है। बारिश बाहर हो रही, अंदर नहीं। समझ गया समझ गया। सुन, इस लड़की को लेकर मैं यहाँ आया था, कोकी को मत बताना। क्यों? अबे तू नहीं समझेगा यार, बारिश भी समझ में नहीं आता, चश्मे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखा, कोई है ही नहीं यहाँ पर। गोखले भी पता नहीं कहाँ मर गया, टेलीफोन सांस ले रहा है। कमाल। हेलो, अरे गोखले वहां पर है क्या? गोखले, अरे सो रहे हो क्या? अरे सोनिया कहाँ है? सोनिया तो कब की चली गई। तो फिर ठीक है, मैं तो समझा था कि केशव कुलकर्णी के साथ चली गई। जी हाँ, उसी के साथ गई है। हाँ, वो उसे घर छोड़ने गया है। घर? हाँ। हेलो वर्मा जी, हाँ मामा, मामा मैं शर्मा बोल रहा हूँ। वो बोलो सोनिया घर पहुंची कि नहीं है? ले, वो सोनिया जो है ना घर नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि किशोर कुलकर्णी पता नहीं उसको कहाँ ले गया। जाओ जाकर देखो।
यस सर। चलो चलकर देखते हैं। अनुभा जी, केशव भैया? नहीं, वो फोन कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जैसे निकल जाए मुझे बोल देना। आज उनके निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? इत्तफाक से वो भी अपनी चाबी ऑफिस में भूलकर आए हैं। अब मैं क्या करूं? यू डोंट वरी, डोंट वरी, हमारे पास एक गेस्ट रूम भी तो है। नहीं, अगर केशु ने मुझे यहाँ देख लिया ना, तो मेरे साथ आपको भी वो गोली मार देगा। फिर तो बहुत अच्छा होगा, मरने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। इसीलिए तो मुझे नहीं मरना है। मेहरबानी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए। ओके ओके, आइए आइए। हेलो वॉचमैन, मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। वहाँ ऑफिस में शर्मा साहब आए क्या? क्या आकर चले गए? केशव देख ना ले। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तू फिर से आ गया। मैं आपको ये पूछने आया था कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? अब तो हद हो गई यार, तू कितनी बार पूछेगा? ये तू तीसरी बार पूछ रहा है। नहीं नहीं, खाली दो बार पूछा ना। ठीक है ठीक है, अभी अभी मैंने चीखने की आवाज सुनी, किसकी थी? अरे हाँ, वो तो क्या हुआ कि गलती से ना मैं अपने पाँव पे बैठ गया था। अच्छा, लेकिन मैंने तो दो बार चीखने की आवाज सुनी। हाँ, दोनों पाँव पे बैठ गया था ना। ठीक है ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये जब फोन कर रहे हैं ना, ये कागज पे नोट कर लेना। क्यों? हम लोग ₹3 फी कॉल चार्ज करते हैं। MTNL मेरे बाप का नहीं है। केकड़ा। गड़बड़ है केशव कुलकर्णी, कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है चीखने की आवाज छोनू बेबी की थी। छोनू बेबी, मैं आया। जी? क्या? दिलरुबा जी? क्या? जी? मुझे नहीं पता था आप ऐसा भी काम करते हैं। मैंने क्या किया है? प्रेमा जी की गैर हाजिरी में आपने लड़की ला के रखी। ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पे। आप झूठ बोल रहे हैं। सोनू मोनू, केशव सोनू मोनू बेबी, क्या हुआ, तुम इतना चीखी क्यों? इस घर में एक दूसरी औरत है। दूसरी औरत? अरे नहीं 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 बेबी, वो दिलरुबा है, वो औरत नहीं है। दिलरुबा? हाँ, वो क्या बचपन में डांस मास्टर था ना, तो अभी तक उसका यही हाल है। नहीं नहीं, मैंने उसके साथ एक औरत को देखा। अच्छा, कौन हो सकती है वो? शायद उसकी बीवी होगी। उसकी बीवी? यानी प्रेमा जी आ गई? प्रेमा जी आ गई। वेरी गुड न्यूज बेबी, वेरी गुड न्यूज। चलो प्रेमा जी से तुम्हारी पहचान करवा देता हूँ। कम 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 बेबी कम। झूठ मूठ की तारीफ करते हैं, लेकिन आप अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जी मैं दोनों तरफ से एक ही हूँ, और मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनना है मुझे। प्रेमा जी। दिलरुबा जी। डोंट वरी, आई विल हैंडल हिम। प्रेमा जी। क्या यार केकड़े, क्या प्रॉब्लम, क्या क्या लगाया, क्या है? प्रेमा जी, प्रेमा जी। अरे कमाल करते हो दिलरुबा, प्रेमा जी आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरी बीवी है तो मैं क्यों बताऊं? नहीं, फिर भी वो भाईचारा, वो क्यों, तेरी बहन लगती है क्या? प्रेमा जी। बेल बजी, कौन आया होगा? पता नहीं। एक मिनट, चोनू तुम अंदर जाओ, बैठ जाओ। चोनू? लेकिन ये तो सोनू थी ना। नहीं, कभी कभी चोनू भी हो जाती है। कौन आया, चलकर देखते हो। कुदी मारो। क्यों? अरे ऐसे मामले में छोटी छोटी कुदी मारना बहुत जरूरी है। अच्छा, मजा आता है? मजा आता है। आप बड़े शरारती हैं, मुझे भी बिगाड़ के रहेंगे। चलो चलो। तुम खोलो। मैं? नहीं नहीं, तुम खोलो। लेकिन तुम बहादुर हो। मैं बहादुर हूँ? हाँ, श्योर श्योर। ओके। क्या मेरे साली का? मेरे साली का। हेलो बॉस, गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग यार, भाड़ में केशव, केशव बता दे मेरे साली का, प्लीज बता साली। जीजा जी, जीजा जी। सोनू, तू सेफ तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू घर क्यों नहीं चली गई? वो क्या है, ये केशव जी मुझे यहाँ लेकर आए। क्या हो गया सर, मेरे घर की चाबी इत्तेफाक से ऑफिस में रह गई। ये लो तुम्हारी चाबी। अरे मेरी चाबी तुम्हारे पास, गोखले? हाँ, इत्तेफाक से ये तुम्हारे फ्लैट के बाहर मिली। सोनू, मैंने तुमसे कहा था ना, इस बदमाश आदमी से बच के रहना। लेकिन ये तो बिल्कुल शरीफ है। हाँ सर, मैं शरीफ बदमाश? नहीं जानती सोनू, ये कैसा है, क्या है, सब दुनिया जानती है कि शरीफ नहीं है, इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। करेक्ट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल प्राची, तुम भी वैसे ही हो। कमाल है सर, मैंने क्या किया है? तुम दोनों मिलकर साजिश करते हो। एक्सक्यूज मी, जब मैं जब भी करता हूँ अकेला ही साजिश करता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, इस वक्त दिलरुबा जी की वाइफ प्रेमा जी घर में मौजूद है। मौजूद है? तुम तो कह रहे थे कि आउटडोर गई है। तो वापस नहीं आ सकती क्या? प्रेमा जी बाहर आइए।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको मत बुलाओ। चुप हो जाओ, यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। तभी तो कह रहा हूँ अपनी इज्जत को बचा ले, उसको मत बुलाओ। लुबा खड़े खड़े खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रेमा जी बाहर आइए, बाहर। देखा आ गई ना आ गई ना प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी। कोकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? केशु, इत्तफाक से मेरी भी चाबी गुम हो गई।